जेके न्यूज 7 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे जम्मू का नाम काफी रोशन किया है। वो एक बता दें आपको कि एक ऐसी गायिका जिन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य को काफी आगे तक पहुंचाया है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको उनसे मिलाते हैं। वो है हमारी जम्मू की बेटी तानिया गुप्ता। तानिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके न्यूज 7 में। सो मच। तानिया जी आप बताएं अपने बारे में कि क्या क्या आपकी शुरुआत कैसी हुई, कैसे आपने गायकी की तरफ सोचा कि आप इसी फील्ड में आगे बढ़ेंगी। देखिए शुरुआत में तो सोचा नहीं था कि मैं म्यूजिक लूंगी कभी और इसमें परसे करूँगी। माई डैड इज़ अ डॉक्टर तो हेंस आई परस्यूड इट मेडिकल एंड लेटर ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ होते गए जब देन आई रियलाइज नो आई थिंक आई कैन सिंग एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम आई गिव अप माई मेडिकल साइंसेज एंड एवरीथिंग एंड आई देन डिसाइडेड टू डिड टू टेक टू गेट सीरियस इन द सेम फील्ड एंड डू इंडियन क्लासिकल बिकॉज फाउंडेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। So, I did my post graduation in the same in Indian classical, Hindustani Indian classical, and बस वहाँ से चलने शुरू हो गए। Okay ma'am, तो आपकी जर्नी काफ़ी शानदार रही है। आपने बचपन से ही जल्दी शुरुआत कर दी थी। तो मैम मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इस फील्ड में आप आगे बढ़े हैं तो आपने काफ़ी नाम भी कमाया है, तो बच्चा बच्चा आपको जानता है कि तानिया एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक बेटी है हमारे जम्मू कश्मीर की। और मैम मुझे ये बताइए कि आपने किन किन लोगों के साथ, किन किन मशहूर गायकों के साथ काम किया है। देखिए कई लोगों के साथ एसोसिएशन रहे हैं शुरू से। सिंस आई एम इन बॉम्बे आई वाज वर्किंग देयर फॉर फिल्म एंड म्यूजिक एकेडमी एज अ गेस्ट फैकल्टी फॉर 3.5 ईयर्स। सो ऐसे में डेफिनेटली आई मेट एंड वर्क वेरी क्लोजली विद लॉट ऑफ पीपल, शेयर्ड द स्टेज विद द लेजेंडरी सिंगर्स and it's always a blessing you know to get this kind of experience. जी तो मैम हमने ये भी सुना है कि आपने गुलाम साहब के साथ भी काम किया, गुलाम अली साहब के साथ भी काम किया हुआ है, आपने उनसे सीखा हुआ है और सुरेश वाडकर जी से भी आप सीखे हुए हैं, एक बहुत बड़ी नाम है उनका फिल्म जगत में। जी हाँ सुरेश वाडकर जी वाकई इज वन पर्सन हु आई रियली एडमायर एंड डेफिनेटली उनके छत्र छाया में आई वॉज देयर इन गुरुकुल इन आजीवासन इन मुंबई और सून आई फिनिश माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई शिफ्टेड देयर। और खान साहब गुलाम अली खान साहब अगेन ही इज दी लेजेंडरी सिंगर इन गज़ल्स। सो जब उन्होंने सुना तो उनका उन्होंने मुझे ये वो एक एक परंपरा होती है कि गंडा बांधते हैं जिस तरह से शिष्य अडॉप्ट करता है तो वो हुआ एंड देन बट द थिंग इज जब भी उनसे मिलना होता था चाहे थोड़ी देर के लिए भी बट ही हिमसेल्फ इज अ इंस्टीट्यूशन सो यस दिस इज वेरी नाइस। जी मैम तो मैम हमें ये बताइए हमारे जेके न्यूज 7 के सभी व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आगे क्या आपके क्या प्लान्स हैं, अब आगे क्या आप जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आप गाते हैं ताकि आप, हमने ये भी सुना था कि एशियन गेम्स में कुछ आपने वहाँ पे उनका लास्ट में कुछ हुआ था प्रोग्राम वगैरह आपकी, आपने उनके वहाँ से कुछ शुरुआत करी थी आई थिंक, हमने सुना था आपके बारे में कुछ, उस बारे में डिटेल्स बताएंगे प्लीज। अभी तो वो जमाने बहुत पुरानी बात हो चुकी है। इट्स अ 2010 व्हेन आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स, दिस वाज इन गुआंगझोउ चाइना। बेसिकली ये इवेंट इसलिए लाइमलाइट में आया क्योंकि रिकॉर्ड बीटिंग ऑडियंस था अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख और सो एंड आई हैड 14,000 डांसर्स सो इन इटसेल्फ समवेयर इट वाज रिकॉर्डेड एज अ आई मीन लाइक द बिगेस्ट एक्सट्रावेगेंजा इन हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स बट दैट वाज यू नो वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट व्हेन यू आर टेलीविज्ड ऑल ओवर द ग्लोब, पीपल आर वॉचिंग यू लाइव एंड सच अ वार्म वेलकम व्हेन यू कम बैक टू इंडिया। आई स्टिल रिमेंबर दैट आर ओन जम्मू पीपल वर सो हैप्पी, आवर स्टेट वर सो हैप्पी एंड दे इंटरव्यूड मी बिफोर आई वेंट एंड आफ्टर आई केम बैक। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और उसके अलावा इंटरनेशनली काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं। नाउ आई मीन टू शो बिज आई वी परफॉर्म वी ट्रेवल अक्रॉस द ग्लोब आई यू नो डेफिनेटलीटेड इंडिया एंड दैन लॉट ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स ऑल्सो एशियन एस्मिक आर्टिकल अवार्ड्स एंड एशियन बिजनेस अवार्ड्स a lot of those kinds of stuff where it's very sophisticated and you get to represent yourself you know your culture and everything and it's a challenge in itself.
मैम एक बात और बताइए हमें मैम, ये कि जैसे हमारे जम्मू में, जम्मू कश्मीर में काफ़ी लोग हैं जो सिंगिंग की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो गायकी में अपने आप को आजमाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हर एक, इट्स जस्ट नॉट अबाउट सिंगिंग और एनी अदर थिंग, अगर आपका पैशन और विल पावर है तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू. सी आई माई सेल्फ स्टार्टेड, व्हेन आई स्टार्टेड मैं, मुझे नहीं पता था, ना ही मेरे फैमिली में से कोई भी म्यूजिक में है. तो इट्स ऑल अबाउट, यू हैव टू मेक योर वे विद योर डिटर्मिनेशन एंड योर पैशन एंड योर हार्ड वर्क, एंड आई डोंट थिंक सो देर इज एनी शॉर्टकट. सो माई मैसेज शुड बी लाइक वट एवर field you opt, whatever talent you have, just be determined, and you have to have full confidence within you, only then it can happen, and it definitely happens. जी मैम, तो मैम आगे के क्या प्लान्स रहेंगे आपके? आगे के फिलहाल रिसेंटली अभी फोर्थ को ही एक वन ऑफ द वीडियोज इज कमिंग अप. आई शूट इट इन दुबई इन लद्दाख पेंगोंग लेक. जी. And the reason this video is so special to me because it is -10 and I, it was very difficult for me to, for my team as well to picturize it there. So that is, we are releasing till the 4th. Aur uske alawa, my traveling is coming up, my international tours are lined up, and my 2-3 originals are also lined up. I think hopefully by next year beginning, we'll be able to see them. Yeah, okay. So ma'am, hum JKNews7 ke sabhi darshan, अब आपसे एक आपकी मधुर आवाज में कुछ सुनना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक प्यारा सा गाना गाने से. ना कुछ बोला ना कुछ तोला, तूने दे से दिया जो दिया. ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया. तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, रब ने बना दी जोड़ी. बहुत खूब मैम, बहुत खूब, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी. और मैम एक गाने की गुजारिश मैं पर्सनली करना चाहूंगी आपसे. yeah, sure. मैंने आपका एक सॉन्ग सुना है, डोगरी में आपने गाया है, रंगे दे रंगीरे ललारिया, रंगीरे ललारिया, मैल का मैलड़ा उड़नो मेरड़ा, मैल का मैलड़ा उड़नो मेरड़ा, खुलनी मैल दी सारिया, रंगी दे रंगी दे थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. तो ये थी हमारे साथ जम्मू की हमारी बेटी तानिया गुप्ता, जो अपने आप में एक शख्सियत है, जिनसे हमने आज मुलाकात करी है और आप सबसे रूबरू करवाया है.
कैमरा पर्सन शिव प्रताप सिंह राठौर के साथ ममता गोरिया जेके न्यूज़ 7 जम्मू।